Hello, welcome to Arvind Academy. We are discussing set theory and this is video lecture number 6. I hope you have already watched part 1 to part 5 before watching this part 6. आज नया क्या? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. अब ये क्या होता है भाई? बात में तो हम कहते हैं कि किसी को कि हमने कंप्लीमेंट दिया उनको और कंप्लीमेंट या ये कंप्लीमेंट्री वो चीज एडिशन में इन एडिशन टू. लेकिन यहां कंप्लीमेंट का मतलब है कि एक दूसरे के दुश्मन. दुश्मन दुश्मन कहते हैं, आपके मन में एक आया होगा कि यहाँ क्या कोई लड़ाई झगड़ा हो रही है. हाँ, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रही है लेकिन दुश्मनी जरूर होगी. अब ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट सीखने के पहले हमें सीखना होगा यूनिवर्सल सेट, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स. ये बात तो हमने बताई है, तो आपको याद ही होगा कि सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इन डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट अगर कोई है और उसके अंदर में जितने सेट है, मान लो एक सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है, बिना यूनिवर्सल सेट के कंप्लीमेंट ऑफ सेट का कोई लॉजिक नहीं है. तो यूनिवर्सल सेट होगा ही होगा. अगर एक सेट है और इनवर्स जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो ए कंप्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे लेकिन कहाँ होंगे? यू में होंगे. तो इसको ये समझ सकते हो कि यू माइनस ए कर सकते हैं. यू माइनस ए इज ए कंप्लीमेंट. ऐसे जैसे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में डिफरेंस ऑफ सेट, वैसे ही यहाँ पे भी है. यू माइनस ए यानी यू के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है. जो ए में नहीं है वो ए कंप्लीमेंट में है. तो जो दोस्ती वाली पार्टी में नहीं है वो दुश्मनी वाली पार्टी में है कि नहीं? तो इसलिए हमने कहा कि ए का दुश्मन कौन रहेगा? ए का दुश्मन जो ए में नहीं रहेगा. बस यही बात तो सीखना है कि जो ए में नहीं रहेगा वो ए का दुश्मन है और दुश्मन वाली पार्टी में कौन रहेगा? जो ए में नहीं रहेगा. तो इस तरीके से हम इन कंप्लीमेंट ऑफ सेट को डिफाइन कर सकते हैं. आइए लिख देते हैं थोड़ा सा. ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख देता हूं एक बार फिर से. यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सेट. यूनिवर्सल सेट सेट इज ए सुपर सेट, इज ए सुपर सेट of all sets in discussion. Set of all sets in discussion. Super set of all sets in discussion. Super set of all sets in discussion. Set of all sets in discussion. In discussion. ठीक है, तो universal symbol है denoted by U. और कई जगह पे लिखा होता है ओमेगा एस. तो कुछ भी लिखा जाए, नाम है, सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है और कोई खास बात नहीं है. अब बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट की. तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज ए सेट. कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज ए सेट denoted by a dash or a का पावर c लिख देते हैं and defined as denoted as this and defined as a set in which elements all elements of u but not elements of a. So it can be defined as, कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको लिखते हैं therefore mathematically कह सकते हैं a complement is u and x does not belong to a. ये कह सकते हैं.
यानी अब ग्राफ से अगर हम इसी बात को समझना चाहें तो यू एक यूनिवर्सल सेट होता है ना। तो आप यू के एलिमेंट्स लिख सकते हैं और ए के एलिमेंट्स को छोड़कर। सो आपका मान लीजिए कि ये एक यूनिवर्सल सेट है ना, ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक सेट है आपका यू, ये एक सेट है ए कोई भी है ना, ये एक सेट है ए। तो इस सेट को यूनिवर्सल मतलब हुआ कि इसको छोड़कर, ये ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना, इस ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, इसको हम कहते हैं यू। और इसको छोड़कर के बाकी सारे एलिमेंट्स जो कहलाएंगे, ये सब जो है, ये सब रीजन ये कहलाएगा, ये अगर ए है तो ये सब रीजन जो होगा वो होगा ए कंप्लीमेंट, तो ये कहलाया ए कंप्लीमेंट। ये अगर सेट ए है तो ये कहलाएगा ए कंप्लीमेंट, सारे जो होंगे उसको कहेंगे ए कंप्लीमेंट। सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। यू मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ है, और कोई सेट है जिसमें है 2 4 6 8 है ना, ऐसा ए हमेशा ही यू से कम होगा, हमेशा ही यू से। तो ये यहाँ पर क्या होगा, एक कंप्लीमेंट, एक कंप्लीमेंट इसमें से मिल जाएगा 2 4 6 8 को छोड़कर, क्या क्या मिलेगा, तो 1 3 5 7, बस 1 3 5 7, 1 3 5 7 ये बच जाएंगे ए कंप्लीमेंट में। देखो जो ए में है वो ए में के दुश्मन में नहीं है ना, ए कंप्लीमेंट में नहीं है, मतलब या तो दोस्त की तरफ रहेगा या दुश्मन की तरफ रहेगा, ये बात समझने वाली है। तो ये चार जो है दोस्त की तरफ है, चार दुश्मन की तरफ है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो, समझने की जरूरत है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। तो प्रॉपर्टीज होती है, ये देखिए, एक पहला प्रॉपर्टीज ये होती है जिसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट लॉ, पहला कंप्लीमेंट लॉ, कंप्लीमेंट लॉ, यानी जो दोस्त में होंगे और जो दुश्मन में होंगे दोनों मिला करके क्या होंगे, दोनों यू ही होंगे, यूनिवर्सल लॉ। और दोस्त और दुश्मन में क्या क्या कॉमन हो सकते हैं बताइए, कि इसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, दोनों दोस्त और दुश्मन में कुछ कॉमन होंगे, नहीं होंगे, तो ये फाइव। तीसरी प्रॉपर्टी हो सकती है, थोड़ा लिख देता हूँ, इसको कहते हैं डिमोर्गन्स लॉ। जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, इसको कहते हैं डिमोर्गन्स लॉ। तो ये डिमोर्गन्स लॉ क्या है, ध्यान से देखिए, डिमोर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स लॉ, ये है डिमोर्गन्स, मैथमेटिशियन थे उनके नाम पे बना है। ये कहते हैं कि ए यूनियन बी अगर हो और उसका कंप्लीमेंट करें तो ये होगा ए इंटर कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये हो गया। इसी तरह से ए इंटर अगर हो तो ये होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसको डिमोर्गन्स लॉ फॉर यूनियन कह सकते हैं, इसको डिमोर्गन्स लॉ फॉर इंटरसेक्शन कह सकते हैं, लेकिन यही दो लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे स्टार लिख देता हूँ, कंपटीशन के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से भी हो सकते हैं। अब एक है लॉ ऑफ दुश्मन का, दुश्मन क्या हो सकता है, दोस्त, तो ये तीसरा लॉ हो गया, ये चौथा लॉ हो गया। पांचवा ये कह सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो यही है ए कंप्लीमेंट दुश्मन, उसका फिर दुश्मन, जैसे दोस्त होता है वैसे इसको डबल कंप्लीमेंटेशन लॉ ऑफ कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब एक हो गया छठा, छठा क्या है, यू का कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइव, सब कुछ तो निकल ही गया, और फाइव का कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, यू, ये भी एक लॉ है जिसको हम कह सकते हैं कि इस तरह के लॉ हो सकते हैं कि जब हम फाइव के कंप्लीमेंट करेंगे तो यू होगा, यू का कंप्लीमेंट करेंगे तो फाइव होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप कह सकते हैं, इसको आप सिक्स और सेवेंथ लॉ मान सकते हैं, सिक्स और सेवेंथ। तो ये कुछ लॉ है जिसको आप कह सकते हैं सेट ऑफ, इसको यूनिटी लॉ और इसको यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं, ये कंप्लीमेंट
कंप्लीमेंट ऑफ, ये क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ऑफ एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स, और ये है कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज फाइव यूनिवर्सल सेट। अब कुछ क्वेश्चन करना चाहिए हमें, है ना, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड a 1 2 3 4 b 2 4 6 8 c 3 5 4 5 6 a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है हमें, u को छोड़कर के a के एलिमेंट लिखने हैं, a को छोड़कर के u के एलिमेंट, तो 1 2 3 4 छोड़ दो, 5 6 7 8 9 ये हो गया आंसर बस। इस तरह से b कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो b को छोड़ दो, 2 4 6 8 छोड़ दोगे तो 1 3 5 7 और 9 3 5 7 9 ये मिल जाएंगे। a यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन c पहले निकालो, तो ये निकालने के लिए पहले निकालना होगा a यूनियन c, a यूनियन c क्या होगा, तो a में है हमारा 1 2 3 4, c में है क्या, तो इसमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6। अब हमें निकालना है a यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 को छोड़ देंगे तो 7 8 9 ये यूनिवर्सल सेट का मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह का देखते हैं, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, तो इसको निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे a यूनियन b, a यूनियन b का मतलब हुआ 1 2 3 4, यूनियन मतलब है 2 4 6 8, अब ये पूरा मिला देने के बाद हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, है ना, ये हो गया a यूनियन b। अब a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट जब निकालना होगा, देयरफॉर a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 छोड़ देंगे तो 5 एक बचेगा, एक 7 बचेगा, एक 9 बचेगा, ये हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, लेकिन प्रूफ करके देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा कितना, तो 1 2 3 4 को छोड़ करके 5 6 7 8 9, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब यहाँ पर इसका ए कॉम्प्लीमेंट का इसका मतलब है कि 5 6 7 8 9 को छोड़ करके क्या हो गया, 1 2 3 4, या गया नहीं के बराबर, इस तरीके से। अब हमें करना है b माइनस c कंप्लीमेंट, तो हम सबसे पहले निकालेंगे b माइनस c, b क्या है, तो b है हमारा 2 4 6 8 2 4 6 8, और a क्या है 1 2 3 4। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, b माइनस c यानी जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना, तो 4 b माइनस सी में क्या बच गया देखते हैं। अब देखिए 4 कॉमन है दोनों में और 2 भी है दोनों में, तो 2 और 4 इसमें से हम निकाल देंगे, आएगा 6 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, नाउ b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो u में 6 8 को छोड़कर बाकी सब 1 2 3 4 5 7 9, ये हो गया b माइनस c कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो आइए हैं a b c, u दिया हुआ है a b c d e f g h, तो a कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या क्या बचेगा, a b c को छोड़कर d e f g, तो b कॉम्प्लीमेंट का मतलब b को छोड़कर मतलब क्या क्या आ जाएगा, d e f g, D E F G को छोड़ देंगे तो इधर से बचेगा A B C और इधर से बच जाएगा H, टोटल 8 में से 4 छूट गए, 4 बच गए। C कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ये देखिए C को छोड़कर ये A C E G, तो B बच जाएगा, C नहीं रहेगा, D रहेगा, E छोड़ दिया, F रहेगा और G छोड़ दिया, H रहेगा, है ना। इसी तरह से D कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, तो D कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि A B C D, A नहीं रहेगा, A यहाँ लिखा हुआ है ना, तो A B C D नहीं, A नहीं रहेगा, सिर्फ B C D
ये हो गया बी सी डी, है ना, बी सी डी ई भी रहेगा, तो ई रहेगा, ई लिख देता हूं, और एफ जी एच यहाँ पे है तो ये नहीं रहेंगे, तो ये आंसर हो गया। तो ये भी बहुत आसान से सवाल है और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं इस एक्सरसाइज के, ताकि ये एक्सरसाइज पूरा हो जाए। वैसे है तो बहुत आसान, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। अगला सवाल है, टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। नेचुरल नंबर को हम ले यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हमें करना है कि बाकी सेट्स क्या होंगे, ठीक है। सो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर निकाल लें तो क्या बचेंगे, तो इसका कंप्लीमेंट करेंगे। अगर इस सेट को ए मान लिया जाए, दिस सेट इज ए, देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ए कंप्लीमेंट इज व्हाट, क्या होगा ए कंप्लीमेंट, इसको ए कंप्लीमेंट अगर लिखे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको ए मान लिया है, इस सेट को अगर मैं ए मान लू तो इसको लिखूंगा ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x such that x is an odd natural number. Even natural number को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, odd natural number. तो ये हो गया, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे odd natural number है, इसको अगर मान लो b set मान लो, तो यहाँ b complement is equal to क्या हो जाएगा, x such that x is an even natural number. Even natural number, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, ये लिखेंगे इसका कंप्लीमेंट। इसी तरह से इस सेट को अगर मैं सी मान लू, सी मान लिया जाए इसको, ठीक है, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री, तो एक सी कंप्लीमेंट इज एक सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री, नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो यहाँ थ्री के मल्टीपल है, इसमें नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री हो गया, है ना, तो इस तरीके से सी कंप्लीमेंट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, डी अगर ये सेट मान लो कि ये सेट डी है, ये सेट को डी मान लिया जाए, तो ये प्राइम नंबर है, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए, प्राइम नंबर को छोड़ करके क्या मिलेगी, कंपोजिट नंबर्स एंड वन, one is neither prime nor one, so x such that x is a composite number, composite natural number, natural number and one, क्योंकि one is neither prime nor composite, ठीक है ना, composite number क्या है, x such that x is not a prime number and x is a natural number, ये भी कह सकते हैं, तो ये d complement। इसी तरीके से इसको अगर e मान लिया जाए तो क्या लिखेंगे इसको, e कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, सो लिख देंगे नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 5, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नाइदर डिविजिबल 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3 एंड 5 यानी 15 से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कह देंगे कि x such that x is a natural number not divisible by 15, divisible by 15, बस, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे, है ना, 3 से भी एंड 5 से भी डिविजिबल है, तो नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो इसका मतलब है कि वो 15 से भी डिविजिबल होगा, तो हम ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख देंगे जो 15 से डिविजिबल नहीं है। ये f मान लिया जाए, तो अब f कंप्लीमेंट क्या लिखोगे, x such that x is not a perfect square, not a perfect square, is a natural number, not a perfect square, ऐसा लिख सकते हैं, x such that x is a natural number, natural number which is not perfect square, which is not perfect square, perfect square, बस ये बात हो गई। अब यहाँ पे perfect cube लिखा है, तो इसको हम g मान लें अगर सेट को,
तो जी कंप्लीमेंट लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब है तो नॉट परफेक्ट क्यूब, बात खत्म हो गई, है ना। इसी तरीके से यहां पे लिख दोगे x such that x plus 5 is 8, तो x is equal to क्या हो जाएगा 3, तो लिख देंगे कि all natural number except 3, जी h इस सेट को मान लो, तो लिख देंगे h complement is equal to x such that x is all natural numbers except 3, except 3, बस ये आ गया। तो अब अगला है 2x plus 5 is equal to 9, तो 2x is equal to 4 हो जाएगा, x is equal to 2, इसको i मान ले, तो i complement is equal to x such that x is all natural number except कौन सा 2, 2 को छोड़ करके सारे natural number होंगे। यहां लिखा है x is greater than equal to 7, 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x i j, इसको मान लेते हैं, तो j complement is equal to x such that x is a natural number less than 7, greater than equal to 7 है, यहाँ पे लिख देंगे less than 7, ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे इसको k मान लिया जाए, तो k complement is equal to क्या होगा, x such that x is a natural number and 2x plus 1 is greater than 9, 2x is greater than 9, yani x is greater than 9 by 2, 4.5, yani 5 से बड़ा है, 4.5 से बड़ा, yani 5, 6, 7, तो 5 से कम को हम कह सकते हैं, कि complement क्या होगा, 5 से कम, x such that x belong to natural number and x is less than 5, यह आंसर आ जाएगा। तो लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर जो 5 से कम है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है उसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं, तो हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाए होंगे और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए थोड़े से और क्वेश्चन है और कर लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, a 2 4 6 8 है, b 2 3 5 7 है, आपको वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। तो पहले पार्ट के लिए LHS हम लेते हैं, a यूनियन b निकालना होगा, तो a यूनियन b में क्या क्या हो जाएगा, इसमें होगा 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा इसमें 2, 3, 5, 6, 7, 8. अब A union B complement क्या हो जाएगा? Now, 1 बचेगा, 2, 3, 4 बचेगा, 5, 6, 7, 8, 9 बचेगा. 1, 4, 9. ये equation 1 हो गया. अब A complement कितना होगा? बताओ. तो A complement होगा 2, 4, 6, 8 को छोड़ करके 1, 3, 5, 7, 9. और B complement क्या होगा? तो ये 2, 3, 5, 7 को छोड़ करके 1 और 4 और 8 और 9. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, तो क्या होगा, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 4, 5, 7 क्या कॉमन है, 4 कॉमन है दोनों में, नहीं यहाँ पे 4 कॉमन नहीं आ रहा, देखते हैं 4 इसमें क्यों नहीं आया, ए में यहाँ पे 2, 3 यहाँ पे 4 भी होगा ना, यूनियन बी में देखिए 4 यहाँ पे है, 2, 3, 4 भी होगा, तो यहाँ पे 4 नहीं होगा, है ना, 1 और 9 ही आएगा सर, यहाँ पे आएगा 1 और 9, ठीक है, सिर्फ आएगा यहाँ पे 1 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ गया, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और 9 है, ये सेकंड है, देखिए दोनों का RHS सेम है, इसलिए प्रूफ कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड
क्या हो गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से दूसरा पार्ट इसका आप खुद कर सकते हैं, क्या है या मैं ही कर देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते, तो दूसरा पार्ट के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए में है हमारा क्या, ए में है 1 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और इंटरसेक्शन बी में क्या है 2 3, बी में हमारा 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या है जी, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ 2, तो इन दोनों में कॉमन है 2, है ना, 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में क्या हो जाएगा, तो यू के बाकी सारे एलिमेंट एक्सेप्ट 2 1 3 5 4 5 6 7 8 9, ये हो गया फर्स्ट। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकाला है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर निकाला हुआ है और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या क्या होगा इसमें, 1 3 5 7 9, और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है, 1 4 9। अब इन दोनों का जब यूनियन करोगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए 1 फिर 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ये सेकंड हो गया, ये 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9 दोनों सेम है, इसलिए आप कह सकते हैं कि दोनों का चूंकि आरजे सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो ये प्रूफ हो गया, तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। अब ये कुछ सवाल है जिसको जवाब देना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको वेन डायग्राम से हमें रिप्रेजेंट करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखा, एक सेट बनाया हमने ए का और एक सेट बनाया बी का, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा सबको रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि एक सेट ए हो गया और एक दूसरा सेट हो गया हमारा बी। ए यूनियन बी हो सकता है कुछ कॉमन हो भी इन दोनों में, देखिए ए सेट है और ये सेट है बी, और कंप्लीमेंट भी करना है तो एक यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए, तो एक यूनिवर्सल सेट होगा, है ना, ये होगा यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, ठीक है, तो इस यूनिवर्सल सेट के हिसाब से हम कर देते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये है ए और ये है बी, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी तो ये होगा पूरा, और इसका कंप्लीमेंट करना है यानी बाकी यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स, तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर क्या क्या हो जाएंगे इसमें, ये देखिए ये बाकी सब छोड़कर, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सारे मेंबर, सो इट विल बी लाइक ये पूरा जो रीजन होगा ये सारा, ये कहलाएगा, ये पूरा जो रीजन होगा दैट ऑल विल बी कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरा रीजन, ठीक है ना, ऐसे ही दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो मैं इसी से कर देता हूँ, ये सारा रीजन जो है ये कहलाएगा पूरा पूरा ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नथिंग एल्स बट ये हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी में तो ये सारे होंगे ना, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया जैसे कि लिखा हुआ आंसर, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिखाना है इसी तरीके का, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा ही दो सेट बना सकते हैं, एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, दो सेट ले लिया हमने और ये दोनों सेट में क्या कॉमन है उसके हिसाब से हम आगे देखते हैं, और फिर
इन दोनों के बाद ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं कुछ इस तरह का। तो अब इसमें क्या होगा, ये यू है और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है सिर्फ ये हिस्सा होता है ना। तो इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ आपको पेंट करना है। इसका मतलब होगा कि इसमें क्या क्या होगा, इसमें वो सब कुछ होगा, ये सब होगा, ठीक है ना। सिर्फ ये हिस्सा छोड़कर, ये हिस्सा छोड़कर, ये सब कुछ होगा, है ना, ये हिस्सा छोड़कर। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, ये कॉमन हिस्सा छोड़ करके बाकी सब कुछ होगा। एक ए था, एक बी है ना, नाम दोनों का, इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, और ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों ही सेम है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला भी यही होगा और ये वाला भी यही होगा। यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये है पूरा, ठीक है, ये थर्ड है, ये दोनों सेम ही होंगे और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही होगा। तो सेम इसको भी लिख सकते हैं, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों के यानी थर्ड और फोर्थ के लिए ग्राफ होगा और इन दोनों के लिए ये होगा। आप अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं अलग अलग कलर से, लेकिन बात वही के वही आएगी। तो इन दोनों के लिए हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटर ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का ग्राफ ये हो गया, इन दोनों का ग्राफ ये हो गया। इसमें कोई अलग अलग नहीं है, चार्जर को खींचने का कोई मतलब नहीं है, आप इसी में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम से ये दिखाना था, हमें हमने दिखा दिया, ठीक है। अब अगला इस बार लिखा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट देन 60 डिग्री देन व्हाट इज दिस। तो सारे ट्रायंगल में 60 डिग्री से अलग, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, तो सारे क्या होंगे, ए क्या होंगे, ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होंगे। तो व्हाट इज ए, ए इज अ सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बताना। तो ए इज द सेट ऑफ, ए इज द सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस हो गया आंसर, यही है, इतना आसान है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, 60 डिग्री से डिफरेंट हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं और एक भी अगर डिफरेंट हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ए में वो सारे ट्रायंगल है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी उसके दुश्मन में क्या होगा, तो उसके दुश्मन में इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है, आपको पता है। फाई कॉम्प्लीमेंट यानी यू, यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज फाई और यू कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई और फाई इंटरसेक्शन ए इज आल्सो फाई, ठीक है। ये आंसर हो गए इनके, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंस यहाँ पे रीजन लिख देता हूं, सिंस ए कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन ए इज इक्वल टू यू होता है, ये प्रॉपर्टीज ही है और ये ऑलरेडी आपको पता है। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू एंड यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होगा, फाई होगा, ये प्रॉपर्टीज ही है। और यहाँ पे है यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई एंड देयर फॉर फाई इंटरसेक्शन ए, कुछ नहीं कॉमन है, तो ये हो गया फाई। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया और इस एक्सरसाइज के सारे सवाल हमने सॉल्व कर दिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा।
बीच बीच में थोड़े से डिस्टरबेंस हुई है, लेकिन आपने देख लिया, सब कुछ समझ लिया। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।